खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश में चुनाव को बचे हैं केवल 56 दिन। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है। प्रियंका गांधी को परसों जाना है अयोध्या, लेकिन उनके अयोध्या पहुंचने से पहले ही कैसे तीखे हमले उन पर हो रहे हैं, देखिए। प्रियंका के अयोध्या दौरे पर सियासत जारी है। प्रियंका परसों अयोध्या पहुंचेंगी, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता विनय कटियार ने उससे पहले ही विवादित बयान दे दिया है। कटियार ने प्रियंका को मंदिर की जगह मस्जिद में सजदा करने की नसीहत दे दी। अगर वो अयोध्या आ रही है तो हम यही चाहते हैं जिसको बाबरी मस्जिद बता रही है, उनका पूरा बाबरी मस्जिद चिल्लाना है, तो मंदिर का दर्शन करने आएगी, मस्जिद का वहाँ सजदा करने आएगी। विनय कटियार यही नहीं रुके और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने के मुद्दे पर भी राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। राहुल गांधी जब पैदा हुए तो सोनिया गांधी ने ही तो उनको बताया होगा कि राजीव गांधी तुम्हारे पिता हैं, लेकिन अगर उसका सबूत मांगा जाए कि क्या सबूत है तो बता पाओगे क्या? विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं। बयानबाजी देखिए किस तरह से एक के बाद एक हो रही है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से ताल ठोक रही स्मृति ईरानी ने भी प्रियंका के अयोध्या जाने पर अब सवाल उठा दिए हैं। अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनावी चुनौती देने के बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जुबानी हमला बोला है। यूपी के भदोही में जनसभा करते हुए स्मृति ईरानी ने प्रियंका के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलवामा हमले को लेकर भी स्मृति ने सैम पित्रोदा के बयान के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोला। मैंने सोचा था कि कांग्रेस इतनी दही गुजरी हो जाएगी कि एक दिन हमारे शहीदों की शहादत को अपमानित करेगी। एक एक करके बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता प्रियंका के अयोध्या दौरे पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अयोध्या तो प्रियंका परसों जाएंगे, लेकिन आज वो अमेठी में रहेंगी। यूपी में कांग्रेस का बेड़ा पार करने उतरी प्रियंका गांधी प्रदेश में लगातार रैली और रोड शो कर रही हैं। मोदी की काशी में बोट यात्रा के बाद प्रियंका आज से अमेठी के दौरे पर है। पहले प्रियंका को आज अयोध्या जाना था, लेकिन अब कार्यक्रम बदल गया है और दौरे की शुरुआत अमेठी से होगी। प्रियंका करीब दोपहर 1 बजे राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगी। अमेठी में 1965 बूथ अध्यक्षों के साथ मुलाकात होगी। बूथ अध्यक्षों के साथ दिन भर बैठक भी करेंगी प्रियंका। शाम को प्रियंका अमेठी से रायबरेली के लिए रवाना होंगी। रायबरेली में कल प्रियंका कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। 29 मार्च को प्रियंका अयोध्या पहुंचेंगी। अगली राजनीतिक हलचल भी यूपी से ही है, जहां के मुरादाबाद में अमित शाह ने विरोधियों पर कुछ ऐसा हमला बोला जो विवाद खड़ा कर सकता है। यूपी के मुरादाबाद में विजय संकल्प रैली करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विवादित बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती सदमे में थे। मोदी जी ने एयरफोर्स से हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी, अपने बुआ भतीजा और राहुल बाबा भी सदमे में। 2 दिन तक उनके चेहरे देखना टेलीविजन पर जैसे चचेरे भाई मर गए हो ऐसा चेहरा कर दिया। सबके लोग मातम मना रहे थे, छातियां पीट पीट कर हाय तो बा कर रहे। अमित शाह ने यूपी की 80 में से 74 सीटों पर बीजेपी का दावा भी ठोक दिया है। और अब देखिए तस्वीर, आप देख रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अब तक अपनी पार्टी से नाराज हैं, बेगूसराय से लड़ने को तैयार नहीं है। जबकि उधर नवादा से प्रचार भी शुरू हो चुका है नवादा में उनकी पार्टी की तरफ से। गिरिराज सिंह बीजेपी से अब भी नाराज हैं। नाराजगी सीट बदलने को लेकर है। दरअसल गिरिराज सिंह बिहार की नवादा सीट से लड़ना चाहते थे, जो बीजेपी ने पासवान की LJP को दे दी और गिरिराज को बेगूसराय से उतार दिया। केंद्रीय नेतृत्व को इन लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और न मुझे कॉन्फिडेंस में लिया। स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ मैं नहीं सोचता।
हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि गिरिराज पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे और बेगूसराय से ही लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गिरिराज सिंह जी जो पार्टी का निर्णय है, ठीक उनके मन में कोई बात रही होगी जो उन्होंने प्रकट किया है, लेकिन वो पार्टी के निर्णय के बाहर नहीं जाएंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी प्रचार के लिए बिहार के नवादा जा रहे हैं। चलिए तो बात मुंबई की हुई, दिल्ली की बात कर लेते हैं। गठबंधन होगा नहीं होगा, सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बहुत हद तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन होगा या नहीं होगा, आज इस पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन होगा या नहीं, आज इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी कल रात ही राजस्थान से लौटे हैं और आज वो इस पर फाइनल मोहर लगा सकते हैं। The discussion is over and the yesterday's meeting left that final decision to the Congress president. Congress president will take a decision today. इससे पहले कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको और प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने परसों राहुल गांधी के साथ बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 4 सीट देने को तैयार है। परसों राहुल गांधी ने 72,000 रुपए देने का वादा करके गरीबों को एक मास्टर स्ट्रोक चला, उस पर अपनी तरफ से तमाम बातें जोड़ी। कल रणदीप सुरजेवाला ने उस पर अपनी तरफ से तमाम बातें जोड़ी और इस योजना के बारे में लोगों को बताया, लेकिन आज पी चिदम्बरम इस पर से पूरी तस्वीर साफ करने वाले। सरप्राइज हुए ना? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना, न्याय पर राजनीति और उठ रहे सवालों पर आज कांग्रेस लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लोगों को मदद करेगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज न्याय योजना को समझाएंगे। 3 लाख से 4 लाख करोड़ न्याय स्कीम को लेकर अभी भी काफी सवाल है। परसों राहुल ने इसे टॉप अप स्कीम बताया था। कल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने साफ किया है कि ये टॉप अप स्कीम नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि 12,000 से कम आमदनी वाले हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 की मदद मिलेगी। ये रकम सीधे परिवार की महिला के बैंक खाते में जाएगी। ये टॉपअप स्कीम नहीं है, हर परिवार को 72,000 रुपया मिलेगा। 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। प्रियंका यूपी में कांग्रेस को एकजुट करने में लगी हैं, लेकिन नागरा में कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार सरेआम फूट फूट कर क्यों रो पड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। शायद मेरे आसपास किसी को दिख भी रहा होगा कि मैं बीच बीच में आंसू भी गिरा रही हूं, मैं रो भी रही हूं और मैं दुख से रो रही हूं। तस्वीरें आगरा की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची। आगरा लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी प्रीता हरित फूट फूट कर रो पड़ी। प्रीता के आंसुओं की वजह बनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें, जिसमें कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रीता हरित ने कार्यकर्ताओं को समझाया भी कि चुनाव सिर पर है और आपस में झगड़ा सही नहीं। प्रीता हरित सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आई हैं। वही ठीक चुनाव से पहले कश्मीर में देश विरोधी और नफरत फैलाने वाली सियासत जोर पकड़ रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार के दौरान देश विरोधी बयान दिया है। महबूबा ने कहा है कि उन्हें सत्ता मिली तो वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्थानीय जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटा देंगी। केंद्र सरकार ने JKLF और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा रखा है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा और आतंकवादी मानसिकता के प्रसार के लिए प्रमुख जिम्मेदार संगठन है। देखिए, उधर गोवा में बीजेपी ने सरकार तो बना ली दो पार्टियों के साथ मिलकर, लेकिन अब बीजेपी और खुद मजबूत हो गई है और अपने सहयोगी MJP के 2 विधायक जो हैं वो बीजेपी में ही शामिल हो गए। गोवा में MJP के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल देर रात प्रमोद सावंत सरकार में अहम सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के मनोहर अजगांवकर और दीपक पावस्कर ने अपनी पार्टी को बीजेपी में शामिल कर लिया। 40 सदस्य वाली गोवा विधानसभा में अब बीजेपी के 14 विधायक हो गए हैं।
विधानसभा में 4 सीट फिलहाल खाली है और सदन की संख्या 36 है। बीजेपी के प्रमोद सावंत ने 3 MGP, 3 GFP और 3 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाई थी। हालांकि विलय वाली चिट्ठी में पार्टी के तीसरे विधायक सुदीन धवलीकर के हस्ताक्षर नहीं है। धवलीकर बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री है। खबरें ये भी है कि धवलीकर को हटाकर पावस्कर को कैबिनेट में लाया जा सकता है। नमस्ते, भारत में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वक्त भगोड़े नीरव मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बैंकों का 14,000 करोड़ लेकर भागा नीरव मोदी, लंदन कोर्ट से फिर मांगेगा जमानत। खबर है कि नीरव मोदी परसों लंदन की कोर्ट में जमानत की अर्जी देगा। लंदन की सरकारी क्राउन प्रोसिक्यूटर सर्विस करेगी जमानत का विरोध। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जांच एजेंसियों को यह जानकारी दी है और साथ ही कहा है कि CBI और ED के अधिकारियों को अभी लंदन आने की जरूरत नहीं है। इस पर पूरी जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या है पूरी जानकारी? एक बार जमानत की अर्जी वो दे चुका है, वो खारिज कर दी गई। वहां की कोर्ट ने ये टिप्पणी भी कर दी कि नीरव मोदी साधन संपन्न है, अगर जमानत मिलती है तो वो कभी सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में आगे क्या हो सकता है? देखिए आदर्श, नीरव मोदी फिर से अपनी जमानत की अर्जी दाखिल करेगा, जो कि उसका राइट है। और इसके अलावा उसके खिलाफ प्रत्यार्पण की प्रक्रिया भी परसों से ही शुरू हो जाएगी, जो वहां के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। एक तरफ उसकी जमानत प्रक्रिया पर सुनाई होगी, दूसरी तरफ उसके प्रत्यार्पण पर। आदर्श जी, बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तिवारी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी, हमारे संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि इसमें नीरव मोदी की तरफ से जमानत की अर्जी दी जाएगी, लेकिन कोर्ट अपनी तरफ से इस पर अपनी बात रखेगा। भगोड़े नीरव मोदी, जिसने बैंकों को करोड़ों का चूना लगाया, अब उस नीरव मोदी की पाई पाई का हिसाब हो रहा है उसके संपत्ति बेचकर। बैंकों का करीब 14,000 करोड़ रुपया लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में जेल की हवा खा रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब भारत में दूसरे तरीके से उससे वसूली में जुटा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई में कल नीरव मोदी के मालिकाना हक वाली कई पेंटिंग्स को नीलाम किया, नीलामी से 55 करोड़ रुपए हासिल किए। विभाग ने नीरव मोदी की कुल 68 पेंटिंग्स की बोली लगवाई। इन पेंटिंग्स में महान चित्रकार राजा रवि वर्मा, VS गायतोड़े, FN सूजा, जगन चौधरी और अकबर पद्मसी की कलाकृतियां शामिल हैं।